सचिवालय देहरादून में धार्मिक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधु ने कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लाई गई थी, उसे आज तक लागू नहीं किया गया था, जिसे आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इससे 12% बिजली के बजाय अब 13% बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से 1% जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस राशि को जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा सभी धर्मों के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे शहरवासियों में खुशी की लहर है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहरों का पुनः विकास परियोजना, ये जैसे आपने अभी वाराणसी की बात हुई, काशी कॉरिडोर, उज्जैन में आपने देखा बहुत अच्छा हुआ, इसी दिशा पे हरिद्वार एंड ऋषिकेश का जो कोर एरिया है जहाँ देश विदेश से इतने लाखों करोड़ों में पर्यटक आते हैं, उस सभी का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अगला मत ये ITBP को ज़मीन देने का था, हाँ इसको डेफर कर दिया गया क्योंकि इसका कैबिनेट ने कहा कि एक बार पुनः परीक्षण कर लें, कोई हाईकोर्ट की जजमेंट है उसको भी देख लें, कहीं कोई हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो जाए। कुटिया स्वर्ग आश्रम है, आप जानते ही हैं, बहुत मशहूर है और राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा है और इसको विकसित करने की कई बार कोशिश हुई, तो इस बार क्योंकि इसमें जो भी करेंगे फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ उनके अप्रूवल के बाद ही करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं।